तो दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में राशन का सामान खरीदने के लिए लोगों में अफरा तफरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप दुकान में सामान खरीदने जाएं और साथ में कोरोना वायरस को भी लेते आएं। ग्रोसरी शॉप पर कोरोना के खतरे से आपको कैसे बचना है, आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। डॉक्टर आशीष जायसवाल हैं और वो हमको बताएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, यानी डूज एंड डोंट्स क्या हैं जब हम सामान खरीदते हैं घर के लिए, ग्रोसरी खरीदते हैं। डॉक्टर आशीष, क्या करें क्या नहीं करें? देखिए, सबसे पहले पैनिक ना होए, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें 100% प्रिकॉशन रखनी है पर 0% पैनिक होना है। अगर सपोज हम चाय पत्ती या कुछ सामान लेने कभी ग्रोसरी स्टोर पहुंचे हुए हैं तो सबसे पहले हम अननेसेसरी टच मत करें हर जगह। ऑल दो सामान में भी हो सकता है आपके पहले किसी ने के पास कोरोना हो, उसने कफ किया हो, उसके कफ के फोमाइटिस पे आए हो, तो डेफिनेटली आपके हाथ में तो आ गए, अब आप तो कैरियर हो सकते हैं। मैं तो जब यहाँ से सामान उठा रही थी तो मैंने तो ऐसे पकड़ के सोच लिया क्या मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा, कोरोना छूने से हवा से नहीं होता जब तक आप इस चीज को अपने मुंह में या आंख में ना ले जाएं। इसीलिए तो मुझे ये ध्यान रखना है कि अगर मैंने यहाँ पर कोई भी सरफेस टच किया है, हाँ, तो जब तक मैं घर जाकर हैंड वॉश नहीं करती तब तक मुझे अपने ये हाथ, हाँ, अपने चेहरे पर अपने नाक पे, कान पर और, हाँ, आंखों पे नहीं लगाना। जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन जिसके अंदर से वायरस अंदर जा सकता है, क्योंकि जो ये वायरस है इसका जो रिसेप्टर है वो या तो चेस्ट की मेम्ब्रेन है या तो आपके पेट की मेम्ब्रेन है, इसोफेगस की मेम्ब्रेन है, वो उसी पे जाके अटैच हो सकता है। अदरवाइज अगर ये स्किन पे पड़ा रहेगा तो 3 से 4 घंटे में अपने आप ही मर जाएगा। क्योंकि सर जब हम ऐसे शॉपिंग करने जाते हैं तब ये जरूरी नहीं कि मैं सैनिटाइजर लेकर चलूं, तो क्या वो रिस्क बढ़ जाएगा या मुझे सैनिटाइजर लेकर घूमना? नहीं, देखिए अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप सैनिटाइज कर सकते हैं जैसे आप शॉप से निकले, पर अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं, ना घबराने की बात ही ना पैनिक होने की बात ही ना। मेरे पास नहीं है, मैं तो आज लेकर नहीं आई सैनिटाइजर। कोई बात नहीं, आप घर जाए अपना हैंड वॉश कर लें, जब तक आप इस हैंड को आईज में या माउथ के अंदर नहीं डालते तब तक ये वायरस अंदर नहीं जाता। तो डरे नहीं, घबराए नहीं, शॉपिंग करें, ग्रोसरी स्टोर में जाएं, अपने घर के लिए सामान खरीदें, लेकिन ये सावधानियां जरूर बरतें। रूफी जैदी, जी मीडिया, नोएडा। वहीं कोरोना के खतरे से निपटने के लिए कई बड़े शहरों में लोग खुद लॉकडाउन की तैयारी में लगे हुए हैं। शॉपिंग मॉल खुले हैं लेकिन मॉल से लोग गायब हैं। कई सोसाइटीज में बाहरियों को अंदर आने ही नहीं दिया जा रहा। किस तरह कोरोना से निपटने की तैयारी चल रही है आप ये भी देखिए। देर रात तक लोगों से गुलजार रहने वाले नोएडा के शॉपिंग मॉल में फैला है कोरोना का खौफ। मॉल खुला है लेकिन कोरोना के डर से लोगों ने यहां आने से परहेज कर लिया है। कोरोना वायरस से फिलहाल पूरा भारत कहीं ना कहीं लगातार लड़ रहा है। मैं आपको मॉल्स की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर लोगों की बड़ी तादाद में भीड़ रहती थी, वो आज खाली नजर आ रहे हैं। इस कोरोना वायरस के डर से, इस COVID-19 का वायरस जब से पूरी दुनिया में छाया, भारत में इसके मामले सामने आए, उसके बाद से लगातार इस पर काम जारी है। लेकिन जो मॉल्स हैं जहां पर लगातार लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंचते थे, वो आज कहीं ना कहीं इन जगहों से नदारद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सुनसान पड़ा मॉल आज इस चीज को साफ दिखा रहा है कि ये कोरोना वायरस का डर फिलहाल कितना ज्यादा है और इससे बचना भी बेहद जरूरी है। शायद कहीं ना कहीं लोगों का यही दावा है कि वो इन भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना आए। ये दुकानें हैं, हालांकि इन पर कहीं ना कहीं फर्क जरूर पड़ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो तीसरा हफ्ता बहुत क्रूशल है, जानकारों की माने तीसरा हफ्ता हर देश के लिए बहुत क्रूशल था और जिसने इस पर काबू पा लिया वो इस कोरोना वायरस के चंगुल में नहीं आया था। और इसी तरीके से इन्हीं जगहों पर अगर लोग लगातार नहीं पहुंचेंगे और भीड़भाड़ नहीं होगी तो इस वायरस को भारत भी हरा सकता है। शॉपिंग मॉल्स ही नहीं, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच कोरोना का खौफ है। नोएडा के सेक्टर 74 की एक पॉश सोसाइटी में लोगों ने खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया है। कोरोना वायरस का दूसरा पॉजिटिव केस नोएडा में मिलने के बाद नोएडा के लोगों का जो पैनिक बटन है वो ऑन हो गया है और यहाँ पर जितनी भी हाई राइज सोसाइटी है वहाँ पर अलग अलग जो प्रिकॉशन के मेजर हैं वो लिए जा रहे हैं। देखिए, हमारी सोसाइटीज में तो जितने मेड्स आती हैं या जितने गाड़ी वाले आते हैं सबको इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आप हाथ वॉश करें किसी तरह से। आज मेड घर में भी आते हैं पहले उसका हाथ वॉश होता है उसके बाद अंदर काम कर रहे हैं। सर, बाहर की गाड़ियां भी बंद हो गई हैं, जो टैक्सीज हैं वो अब अंदर नहीं आ रही सोसाइटी। सारे अंदर अब आना बंद हो जाएंगे आज शाम से। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट का सीजन शुरू हो चुका है लेकिन कोरोना की वजह से प्रशासन ने उधमपुर, रामबन के साथ साथ पत्नीटॉप के होटल्स को बंद करने का आदेश दिया है। कल हमें शाम को 4 बजे व्हाट्सएप पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उधमपुर और रामबन जी के आर्डर आए कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली सब कुछ बंद कर दिया जाए, लाइक फ्रंट ऑफिस हो गया, रेस्टोरेंट, किचन एंड बार्स,
तो हमने कल शाम को 4 बजे से ही उनके आर्डर जो है वो एप्लीकेबल कर दिए। कोई टूरिस्ट हमारे पास आता है एकोमोडेशन के लिए या खाने के लिए, हम उनको स्ट्रिक्टली कर देते हैं, माना कि 31 मार्च तक हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। मुंबई में एक बुजुर्ग की मौत भी कोरोना की वजह से हो गई, जिसके बाद मुंबई में लॉकडाउन जैसा नजारा आज देखा। कोरोना वायरस को लेकर मार्केट में अफवाहों का बाजार गर्म है, जिसके चलते लोग भयभीत हो जाते हैं। इस वक्त हम मुंबई के साइन इलाके में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ दुकानें खुली हुई हैं तो कुछ बंद है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ दुकानें जो है वो थोड़े समय के बाद ओपन होगी। तमाम जो मैसेज आ रहे हैं लोगों को, कुछ अफवाहें फैलाई जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति हैं, सीधा मुनि से जानते। सर, बहुत सारे अफवाह कोरोना को लेकर फैल रहे हैं, मैसेज गलत आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के उपाय भी बताए जा रहे हैं जो कि सही नहीं है, आपका क्या कहना है सर? सी, अफवाहें तो फैल रही है, लेकिन इसमें खुद का ही सुरक्षा सबसे अच्छी रहेगी। जितना हो सके एक तो लोगों से कॉन्टेक्ट दूर रहे, और सैनिटाइजर, डेटोल, हैंड वॉश और जो भी बीमार आदमी है उससे जितना हो सके दूर रहिए। एक ओर लोगों में कोरोना का खौफ चल रहा है, तो वहीं सरकार भी किसी भी आपातकालीन हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी में है। यहाँ पर मेरे पीछे जो आप स्टेडियम देख रहे हैं उसमें कम से कम 400 बेड्स ऐसे लगाए गए हैं, इस वजह से कि अगर ज्यादा से ज्यादा केसेस आते हैं आइसोलेशन के, तो यहाँ पर जो एक बिल्डिंग लगाई गई है खास उसके लिए, तो यहाँ पर 400 बेड्स तैयार किए गए हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट है तेलंगाना का उसकी निगरानी में। तो फिलहाल किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये सिर्फ अगर जो नंबर बढ़ता है संदिग्धों का, सस्पेक्ट का, कोरोना वायरस से जो पीड़ित है उसका, सस्पेक्ट का नंबर बढ़ता है तभी इस फैसिलिटी को खोला जाएगा, लेकिन इसको अभी से ही तैयार किया गया है ताकि अगर लोगों की संख्या ज्यादा हुई कोरोना वायरस के चलते तो उनको यहाँ पर लगाया जा सके। कैमरामैन रमना रेड्डी के साथ प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, हैदराबाद।